जी, मेरा नाम पुनीता परमार है। मैं बेसिकली गुजरात कच्छ से हूँ एंड आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई से। आपके आने वाले कौन से प्रोजेक्ट हैं? अभी काफ़ी मैं अभी डिस्क्लोज तो नहीं कर सकती हूँ, बट मेरे आने वाले 2022 एंड 2023 में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि म्यूजिक एल्बम्स है, एड्स है, एक्सेट्रा। अभी आपको ऐसा मैसेज हुआ किसी कास्टिंग कोच में आप फैंसी हो? नहीं, मैं कभी ऐसे कोई कास्टिंग काउच में फंसी नहीं हूँ। हाँ, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली मैं वो प्रोजेक्ट नहीं करूँगी, बिकॉज इतने ज़्यादा वल्गैरिटी वाले प्रोजेक्ट्स मैं नहीं कर सकती हूँ। सो यानी मेरे साथ ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। अभी आप क्या क्या किया? मैंने म्यूज़िक एल्बम्स किए हुए हैं, ब्रांड्स की एड्स की हुई है, काफ़ी नोन ब्रांड्स के शूट्स किए हुए हैं। इंडस्ट्री में अब तक से इंडस्ट्री में अब से हो और कैसे कब से है और क्या क्या किए हैं और कैसे? इंडस्ट्री में तो देखो, मैं काफ़ी टाइम से नहीं हूँ, लास्ट पास 2-3 ईयर्स से हूँ, बट जितने भी टाइम मैंने किया हुआ है काफ़ी इंडस्ट्री अच्छी लगी है मुझे। और ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें ना ही कोई कास्ट देखी जाती है, ना ही कोई धर्म देखा जाता है, सारी चीज़ें ही। अगर आप कलाकार है तो ऑब्वियसली आप ये इंडस्ट्री ऐसी है जो आपकी ड्रीम अचीव कर सकते हो। सो या मेरे साथ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी इंडस्ट्री। आपको अभी बहुत बड़ा एक अवार्ड मिल रहा है 24 नवंबर को, द BPIF लाइफस्टाइल आइकॉनिक अवार्ड। वो कितना आपके लिए अच्छा है और कितना आपके लिए मतलब खुश है आप उस अवार्ड पाने के बाद? सी, मैं ये अवार्ड के लिए तो मैं काफ़ी खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ DPIF को, जो मुझे ये नॉमिनेट कर रहे हैं, मुझे अवार्ड दे रहे हैं। सो या मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ करके कि ऐसे अवार्ड्स आगे मिलते रहे। कितना आपके सपोर्ट करते हैं आपके पेरेंट्स और आपके फ्रेंड्स? मेरे पेरेंट्स तो मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं, इस वजह से मैं अभी ये यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हूँ। फ्रेंड्स भी ऑब्वियसली बहुत सारे सपोर्ट करते हैं, सो ऐसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं कभी। फैशन शो के अलावा आपको ऐसा लगता है कि देश के लिए भी कुछ करना चाहिए? फिल्म लाइन, फैशन शो, जो भी होता है ऑब्वियसली करना चाहिए, देश के लिए कौन नहीं चाहता, कौन करे, ऑब्वियसली ये चीज़ करनी चाहिए। आज बायकॉट हो रहा है पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, बहुत सारे फिल्म, लेकिन साउथ की फिल्म चल रहा है, तो उसके लिए कुछ बोलेंगे? बायकॉट हिंदी फिल्म हो रहा है और साउथ की फिल्म सुपरहिट बहुत रुपये कमा रहा है, तो इसमें क्या कमी है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जो आज बायकॉट हो रहा है और साउथ इंडस्ट्री को आज कमा के दे रहे हैं हम लोग? साउथ इंडस्ट्री, देखो बॉलीवुड के लिए तो मैं ऐसे कुछ बोलूँगी नहीं, हाँ, बट साउथ इंडस्ट्री भी काफ़ी अच्छी है। एंड मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो फिर और मुझे ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ें दिखती नहीं है, हाँ ये है करके कि थोड़ी बहुत एक्टिंग की है चीज़। सबसे बड़ी बात कि हमारे गरीबों के एक्टर कल्याण जी जाना जी से आप कहाँ पर मिले और कैसे मिली? कल्याण जी जाना एक बहुत अच्छे इंसान है, मैं इनसे आई गेस मैं फर्स्ट शो पे मिली थी मैं इनसे, और आज तक मैं इनसे इनके साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, तो लाइक मैं एक दादा साहब फाल्के के शो में ही मिली थी मैं इनसे, तो लाइक मुझे ये बहुत अच्छे है इंसान, मतलब बहुत सपोर्टिव है एंड ये बहुत हेल्प भी करते हैं लोगों की। सो या, ही इज अ वेरी नाइस गाय। आपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपको मतलब देखेंगे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे के जितने मेरे प्रोजेक्ट्स हैं वो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, बस। थैंक यू। मैडम आप बहुत बड़ी मॉडल है, तो आप आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताइए। अभी फ़िलहाल तो मैं वही मैंने कहा कि मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ, हाँ, बट अभी म्यूज़िक एल्बम्स आने वाले हैं 2022 के एंड में और काफ़ी सारे एड्स आने वाले हैं जो कि अभी आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा। अभी सुनने में आया एक न्यूज़ मिली है कि आपको बेस्ट मॉडल का भी अवार्ड मिलने वाला है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बेस्ट आइकॉनिक अवार्ड मिलने वाला है जो कि 2022 नवंबर में है। मैं काफ़ी बहुत खुश होकर कि ये मेरा नाम नॉमिनेट हुआ है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर दैट।